everyone, welcome to EconoHub. So our next topic is bound buffer problem. Bound buffer problem is basically solved using monitors. हमारे सिलेबस में bound buffer को monitors के through solve करेंगे हम लोग. तो bound buffer problem में क्या होता है, हमें एक buffer given है किसी भी size का. यहाँ पे मैंने example के लिए 5 लिया है. हमारे पास एक count variable है जो कि एक normal variable की तरह act कर रहा है. और ये दो जो है ये हमारे प्रोसीजर्स हैं, कंज्यूम एंड प्रोड्यूस. और जो ये एमपीटी और फुल है, ये है कंडीशनल वेरिएबल्स. एमपीटी और फुल आर द कंडीशनल वेरिएबल्स. प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर आर द प्रोसेसेस. ब्रेड प्रोड्यूसर भी P1 एंड कंज्यूमर भी P2. तो अभी इसकी वर्किंग कैसे हो गई, जैसे हमें मॉनिटर का नाम दे रखा है डेमो. int data में हम लोगों ने क्या स्टोर किया, ये जो हमने एक बफर या एरे बोल सकते हैं, उसमें जो हमने डाटा स्टोर किया है, वो पांचों पोजीशन पे हमने क्या क्या डाटा स्टोर किया है वो हम स्टोर करेंगे. int count, count क्या स्टोर करेगा, the number of data present in the variables, like number of blocks which are present in the variables. जैसे कि यहाँ पर 5 है, अब जितने जो ब्लॉक्स होंगे बफर के अंदर उतना हमारा काउंट में इंक्रीज हो जाएगा. कंडीशन फुल एंड कंडीशन एमपीटी, इसका मतलब है कंडीशन वेरिएबल फुल एंड कंडीशन वेरिएबल एमपीटी. अब जो प्रोड्यूस है, प्रोड्यूस वो प्रोसीजर को कैसे वर्क करेगा, वो ऐसे वर्क करेगा कि मान लो जो प्रोड्यूस जो भी प्रोड्यूसर होता है उसकी लिमिटेशन क्या हो सकती है. अगर तो जो हमारा काउंट है, यानी कि जो हमारा बफर है, वो कंप्लीट हो जाए, मतलब फुल हो जाए. अगर हम कोई एरे लेते हैं और हम उसमें स्टोर कराते रहते हैं, तो एक पॉइंट आता है जब वो एरे फुल हो जाता है और हम कोई और एलिमेंट नहीं स्टोर करा सकते, तो प्रोड्यूसर का क्या होता है, आइटम्स को प्रोड्यूस करना, वो करता जाएगा. एक टाइम ऐसा आएगा जब बफर फुल हो जाएगा. तो मतलब वेन एवर इफ द काउंट इज इक्वल टू 5, जब हमारा जो वो है बफर वो फुल हो जाएगा, तब हमें जो फुल है, जो हमारा कंडीशन वेरिएबल फुल है, उसमें उस प्रोसेस को वेटिंग पे डाल देना है जो हम लोग प्रोसेस यूज कर रहे हैं, चाहे वो प्रोड्यूसर हो चाहे वो कंज्यूमर हो. अगर काउंट फुल है, यानी कि अगर बफर फुल है, तो जो प्रोसेस हम लोग लाना चाहते हैं अंदर या जिसके थ्रू हम ला रहे हैं, उसे हम वेट में डाल देंगे. और अगर तो ये नहीं है तो सिंपली हम लोग एड ऑन करते जाएंगे आइटम्स को बफर में और काउंट की वैल्यू एक इंक्रीज करते जाएंगे बाय 1-1, और एमपीटी को सिग्नल कर देंगे. मतलब कि जो एमपीटी में जो भी प्रोसेस स्टोर होंगे, वो जैसे जैसे काउंट ++ होता जाएगा, वो एग्जीक्यूट होना शुरू कर देंगे. जो भी एमपीटी में प्रेजेंट होंगे वो प्रोसेस अब एग्जीक्यूट हो सकता है, क्योंकि एक प्रोसेस ऑलरेडी एक बार एग्जीक्यूट हो चुका है. सेम कंज्यूम की लिमिटेशन क्या हो सकती है, कंज्यूम की लिमिटेशन ये हो सकती है, जब हमारा जो सपोज बफर है हमारे पास 1, 2, 3, 4 एंड 5 ब्लॉक्स है हमारे पास, और जब हमारे पास काउंट इक्वल टू 0 हो जाए, मतलब जब हमारे पास बफर में कोई वेरिएबल स्टोर्ड ही नहीं है, तो हम कंज्यूम क्या कराएंगे, तो हम कंज्यूम कर ही नहीं सकते. अगर इसमें कुछ स्टोर्ड ही नहीं है, तो हम लोग कंज्यूमर कहाँ से कंज्यूम करेगा वो आइटम, जो वो आइटम प्रेजेंट ही नहीं है. उस केस में क्या होगा, अगर तो ये कंडीशन ट्रू है, तो MPT.wait, यानी कि जो एमपीटी है, जो प्रोसेस हम लोग, चाहे वो प्रोड्यूसर हो चाहे वो कंज्यूमर हो, जो प्रोसेस हम लोग एग्जीक्यूट करा रहे हैं, उसे हम एमपीटी क्यू में वेट करने को छोड़ देंगे, और जो प्रोसेस फुल में ऑलरेडी वेटिंग पे है, उसे एग्जीक्यूट कराना शुरू कर देंगे. सी, एक्सेस द आइटम. और अगर ये नहीं है, तो हम लोग सिंपली एक्सेस कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं आइटम, और काउंट की वैल्यू डिक्रीज कर देंगे -, जैसे जैसे एक एक वैल्यू कंज्यूम होती जाएगी. और लेकिन जो फुल है उस सिग्नल में डाल देंगे, मतलब जो फुल में स्टोर्ड है प्रोसेस, वो सिग्नल वो एग्जीक्यूट होना शुरू कर देगा. थैंक यू.